अत्यंत दुखद घटना है। परिवार के प्रत्येक सदस्य, उनके पिताजी, उनके भाई, छोटा भाई, उनके भाभी, उनकी बहन, उनकी माँ और जो भी सब घर परिवार में थे, एक एक से हम लोगों ने बात की है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे, जो भी क्षमता में होगा कठोरतम कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक SIT का गठन किया है। SIT में स्वयं हमारे विभाग के, गृह विभाग के सचिव श्री भगवान स्वरूप हैं, उसमें DIG लेवल के ऑफिसर श्री चंद्रप्रकाश जी हैं, उसमें एक महिला अधिकारी कमांडेंट PAC आगरा की पूनम जी हैं। SIT ने अपना काम शुरू कर दिया है और परिवार वालों के बयान कुछ हद तक ले लिए हैं। SIT की पहली रिपोर्ट कल 4 बजे शाम को शासन में प्राप्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही शाम को ही 2 घंटे के अंदर तत्कालीन जो SP हैं, तत्कालीन जो CO थे, तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे, सीनियर सब इंस्पेक्टर, हेड मोहरर, इन सबको निलंबित करने का आदेश दिया और कल ही सभी अधिकारी और जो फील्ड के कर्मचारी थे उनको निलंबित किया गया है। SIT की जांच चल रही है। SIT जो है अपना काम कर रही है। SIT अब अपना काम लगातार करेगी। परिवार वालों ने, परिवारजनों ने एक एक चीज अपनी जो नोट हमको कराई है, हमने उन्हें कहा है कि SIT बैठकर जितना भी समय लगेगा, परिवार की तरफ से जो भी बिंदु आएंगे, जो भी उनकी शिकायत भी होगी या जो भी उनका बिंदु आएगा उसको SIT नोट करेगा और एक एक चीज पर हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। एक निर्णय ये भी लिया गया है DIG साहब, हम लोगों ने संयुक्त रूप से, कि गांव में सुरक्षा की व्यवस्था स्थायी रूप से बनी रहेगी और उसकी व्यवस्था के लिए कमिश्नर और IG और सभी अधिकारियों को दिया गया है। इसके साथ साथ आज हम लोग माननीय जनप्रतिनिधियों से भी मिले हैं, हमने उनसे भी अनुरोध किया है कि सामाजिक सौहार्द पूरा बनाकर रखेंगे और सबका सहयोग लेंगे, हर व्यक्ति का सहयोग लेंगे। हाथरस के जिले के सभी जनप्रतिनिधि जो अवेलेबल थे मिले हैं उनसे। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि जो SIT है वो अपना पूरा काम करेगी और जहाँ भी जो भी बयान आएंगे उन पर आगे की कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी होगा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये भी हम बताना चाहेंगे, जो परिवार के बिंदु, जो आप बिंदु उठा रहे हैं वो ही कुछ बिंदु उसमें परिवार ने उठाए हैं, उन सभी बिंदुओं का SIT अगले जल्दी ही कुछ ही दिनों में टेकअप करके एक एक बिंदुओं का निर्णय देकर शासन स्तर पर उस पर फिर कार्रवाई। जो आपको क्रिमिनेशन हुआ है वो क्या सरकार की मर्जी से हुआ था या जिला प्रशासन की मर्जी से हुआ? ये संस्कार क्या सरकार के संज्ञान में नहीं था? ये मैं फिर बता दूं, एक एक चीज SIT संज्ञान में परिवार की तरफ से लेगा और उसके सभी का निर्णय दिया। जो भी जनप्रतिनिधि आना चाहेंगे, 5 लोगों तक आने की अनुमति हो। सर,